नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द नॉलेज बडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ वेस्ट बंगाल 2022 के माध्यमिक क्लास 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। यदि आप लोग वेस्ट बंगाल क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये है वेस्ट बंगाल 2022 के माध्यमिक क्लास 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। आइए इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है विभाग क। सबसे पहले हम विभाग क के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए नंबर 1 बोला गया है विकल्पों से सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो आंसर सही है उसे आपको लिखना था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है जिस प्रक्रिया द्वारा भूमि की ऊंचाई कम होती है उसे कहते हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन घ निम्नीकरण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 दो नदी बेसिनों के बीच की उच्च भूमि को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 ग्लेशियर के द्वारा बनी झील है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 4 वायु के संचय कार्य द्वारा बना मैदान कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 5 सहारा मरुस्थल के नमकीन झीलों को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 6 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किससे अलग किया गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 7 शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच घाटी को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 8 भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 9 मानसूनी विस्फोट सर्वप्रथम देखा गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जिस अंचल से चंदन वृक्ष उगता है वह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 11 भारत का केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 12 पश्चिम बंगाल का IT उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 भारत की जनगणना के अनुसार एक शहर की निम्नतम जनसंख्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। तो ये हमने विभाग क के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विभाग ख के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में। यहाँ देखिए 2.1 बोला गया है निम्नलिखित में यदि कथन सत्य है तो T लिखिए और यदि गलत है तो F लिखिए। यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो सही होगा उसके आगे T लिखना है और जो गलत होगा उसके आगे F लिखना है। यहाँ देखिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 नदी का वेग मापने के लिए क्यूसेक इकाई का प्रयोग होता है। तो ये सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ देखिए T मैंने लिखा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 समुद्र में तैरते बर्फ को हिमशैल कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ देखिए मैंने T लिखा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 भारत की सीमा से सटा हुआ श्रीलंका एक पड़ोसी देश है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ देखिए मैंने F लिखा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 भारत में अरावली एक नया मोर्दा पर्वत का उदाहरण है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ देखिए मैंने F लिखा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 लोकटाक भारत की सबसे बड़ी उप झील लागुन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ देखिए मैंने F लिखा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 भारत का केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। तो ये सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ देखिए मैंने T लिखा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 भारत का वन आधारित उद्योग में एक कागज उद्योग है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है T। तो ये हमने विभाग ख के 2.1 के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब देखिए बोला गया है विभाग ख के 2.2 के सभी क्वेश्चन। देखिए यहाँ बोला गया है उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसे आप लोगों को फिलअप करना था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है नील डेल्टा आकार का है। तो इसका सही जवाब होगा त्रिभुज चापाकार धनुषाकार। इन तीनों में से कुछ भी यहाँ लिखिए वो सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 दो संलग्न कोरीर के मध्य उच्च भूमि को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा एरित या अरेत, जो भी लिखिए वो सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका सही जवाब होगा अन्नामुदी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा सियांग या धियोग, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न धूल आंधी को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा लू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया है मिट्टी मैग्रो वनों की वृद्धि के लिए आदर्श मिट्टी है, तो इसका सही जवाब होगा नमकीन या तटीय मिट्टी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जामनगर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब होगा पेट्रो रसायन। तो ये हमने 2.2 के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब देखिए बोला गया है 2.3, बोला गया है एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1, बोला गया है एक नदी विसर्ग के किस किनारे का अपतन अधिक होता है, तो इसका सही जवाब होगा समुद्र या बाहरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ध्रुवीय क्षेत्र में किस ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है, तो इसका सही जवाब होगा समुद्र तल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, पवन की दिशा में समांतर बने बालू का स्तूप का नाम लिखे, तो इसका सही उत्तर होगा सीप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिमी हिमालय में ताल किया है, इसका सही उत्तर होगा छोटी झीलें। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में गंगा नदी का डेल्टाई या निम्न भाग स्थित है, इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, ढालू पहाड़ी पर मिट्टी अपरदन रोकने के लिए एक कृषि पद्धति का नाम लिखिए, इसका सही जवाब होगा सीढ़ीदार कृषि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित हुई, इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल या कोलकाता। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है 2.4, बोला गया है बाएं स्तंभ की दाएं स्तंभ से मिलान कीजिए। यहाँ देखिए बायां स्तंभ दिया हुआ है और यहाँ पे दायां स्तंभ दिया हुआ है। सबसे पहले बोला गया है नामचा बारुआ, इसे आपको मिलाना है 3 नंबर से, पूर्वी हिमाचल की चोटी। उसके बाद 2 नंबर बोला गया है माजुली, इसे आपको मिलाना है 4 नंबर से, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद 3 नंबर है मरुस्थली, इसे आपको मिलाना है 1 नंबर से, राजस्थान। उसके बाद है पारादीप, इसे आपको मिलाना है 2 नंबर से, उड़ीसा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है विभाग घ। दोस्तों विभाग घ के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे लिख पाना थोड़ा संभव नहीं था, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर भी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, आप देखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है विभाग घ। यहाँ देखिए बोला गया है संक्षिप्त व्याख्यामूलक उत्तर दीजिए। यहाँ के प्रश्नों का भी मैंने उत्तर नहीं लिखा है, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ बोला गया है विभाग अंग। बोला गया है दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए चित्रांकन आवश्यक नहीं है। यहाँ देखिए बोला गया है निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 2 का उत्तर देना था। तो ये आप लोग किए होंगे, मुझे आशा है। अब देखिए बोला गया है विभाग च। यहाँ देखिए बोला गया है दिए गए भारत के रेखीय मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्ह एवं नाम से दिखाए। यहाँ देखिए बोला गया है मैप पॉइंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट दिए गए हैं, जिनको आपको मानचित्र पर दिखाना था। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने सभी सही किए होंगे। तो यहाँ 10 के नाम दिए हुए हैं, जिसे आप लोगों को मैप पॉइंटिंग करना था। अब देखिए यहाँ बोला गया है अथवा, केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए। जो दृष्टिहीन परीक्षार्थी थे ये उनके लिए है, ये उनके लिए नहीं है जो दृष्टिहीन नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है विभाग 6। ये है केवल बाहरी परीक्षार्थियों के लिए, जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है ये उनके लिए है, रेगुलर कैंडिडेट के लिए ये नहीं है। तो इसे मैंने फिलहाल के लिए नहीं किया है, तो इसे फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका मैंने आपको उत्तर बताया। मैंने आपको सिर्फ विभाग क और विभाग ख का उत्तर बताया। यदि आपने ये सभी उत्तर सही किए हैं तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे। तो ये पूरा पेपर है वेस्ट बंगाल माध्यमिक 2022 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको वेस्ट बंगाल 2022 के माध्यमिक क्लास 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों यदि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ का डाउनलोड लिंक दे दिया है। दोस्तों यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों और टीचर्स को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बडी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।